बोलिए। जैसे ये दादा का अक्रम विज्ञान बहुत ही अद्भुत है और स्वयं क्रियाकारी है। हमारी एक बार गाड़ी चोरी हो गई थी तो हम लोगों को कोई भी दुख नहीं हुआ और अंदर से आनंद आनंद होने लगा कि जिसका था उसी ने ले गया, और अंदर में ऐसा ही निरंतर रहता था कि चोरी करने वाला भी सुखी रहे और उसको भी ये ज्ञान मिल जाए और वो भी हमारी जैसी सुख शांति अनुभव करे, ऐसा निरंतर रहता था पूज्य श्री। और उसके लिए भावना भी होती थी कि उसको दादा भगवान का ज्ञान मिले और वो भी आनंद आनंद में रहे, यानी उसके प्रति भाव भी नहीं बिगड़ा पूज्य श्री, और दुख भी नहीं आया। वो ऊपर से वाणी तो बोलती थी निगेटिव, पर अंदर से उसके लिए यानी आशीर्वाद ही निकलता था पूज्य श्री। ये दादा का ज्ञान से हुआ पूज्य श्री, नहीं तो ऐसा होना असंभव है। बरोबर है।